देन रमेश साहब ये आई डिड थ्रो माय सेल और अल्टीमेटली उन्होंने क्या किया यू टर्न लिया और कहा कि ऑल दीस मेडिसिंस आर नॉट हैविंग एनी इफेक्ट ऑन कोविड 19 इजंट इट कैसा हुआ गुरुजी इम्यूनो मॉडरेटर थी इम्यूनो मॉडरेटर है और इम्यूनो मॉडरेटर रहेगी उसका कारण क्या है उन्होंने हमारे सामने एक तर्क रखा मैं आयुष मंत्रालय में काम भी कर रहा हूँ और भारत सरकार की उतनी योजनाओं में इसमें काम भी किया तो उनका तर्क यह था कि एविडेंस बेस्ड मेडिसिन नाउ द वर्ल्ड इज रिलाइंग ऑन एविडेंस बेस्ड मेडिसिन माय डियर फ्रेंड्स एविडेंस क्या है एविडेंस उनके सामने केवल एक ही होता है दैट इज अ डायरेक्ट परसेप्शन डायरेक्ट परसेप्शन इज ओनली द इंस्ट्रूमेंट फॉर द वेस्टर्न मेडिसिन और हमारा ग्रुप क्या है आपको उपदेश प्रत्यक्ष अनुमान और युक्ति ये चार प्रमाण हमारे हैं इन चार प्रमाणों के आधार पर जब सिद्ध होता है तभी किसी चीज को हमने हमारे ऑल द प्रिंसिपल लेड डाउन बाय आवर मार्सिस आफ्टर थोरो डिस्कशंस इन सेमिनार्स एंड सिंपोजिया एंड थोरो रिसर्च उन्होंने कहा एवं प्रिस्क्रिप्शन व्याधिनाम व्याख्या समय व्हाटएवर आई एम एक्सपोंडिंग हियर दे आर फुली प्रूव्ड ऑन द साइंटिफिक पैरामीटर्स वो साइंस उस समय की आज आयुर्वेद इज नॉट लिमिटेड बिटवीन द फोर वॉल्स ऑफ द कंट्री नाउ इट हैज बिकम ग्लोबल प्रॉपर्टी आपको ये जान के आश्चर्य होगा परसेंट ऑफ द वेस्टर्न पॉपुलेशन पार्ट ऑफ द यूके एंड यूएस दे यूज आयुष क्वाथ आयुष काढ़ा ड्यूरिंग कोविड पैंडेमिक उन्होंने यूज किया और आज हमारे पास क्वेरीज आती है मैं जवाब दे रहा हूँ कारण क्या है उसका इफ वी वांट टू यूज आयुर्वेदिक ड्रग्स और प्रोपेगेट द मैसेज ऑफ आयुर्वेद अमंग द ग्लोबल कम्युनिटी वी हैव टू प्रूव देम ऑन साइंटिफिक पैरामीटर्स ऑफ टुडे आज के जो पैरामीटर्स है हमें करना पड़ेगा सो दैट वी हैव स्टार्टेड एक्सटेंसिव रिसर्च इन ऑल द सेंटर्स ऑफ द कंट्री राइट फ्रॉम कॉलेजेस इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद दिल्ली जामनगर आयुर्वेद यूनिवर्सिटी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद जयपुर We have started the whole work in Banaras University. ये collaborative work चल रहा है जिसमें Western medicine के लोग भी हैं और हमारे लोग भी हैं। और आज हम लोग ये प्रूव कर रहे हैं कि स्वर्ण प्राशन की जो मैंने बात किया ये स्वर्ण प्राशन के बारे में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के पैथोलॉजी डिपार्टमेंट के माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट के और आपके किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के तत्कालीन वाइस चांसलर प्रोफेसर एम एन बी भट्ट इन लोगों ने जब स्टडी करने के बाद ये प्रूव किया कि स्वर्ण प्राशन हेल्थ और ट्रीटमेंट एज फॉरवर्ड टू इंक्रीज इम्यूनोग्लोबुलिन which are supposed to be one of the best immunomodulator markers in the body. Cancer के patient को अगर हम दे देते हैं तो cancer के patient का life span बढ़ जाता है TNF cells को ये मार देते हैं तो ये सारी चीजें जो हमारे यहाँ बताई गई हैं ये सब group हैं और आज के परिवेश में जन सामान्य को convince करने के लिए global community को convince करने के लिए scientific data उनकी भाषा में बनाने की जरूरत है जिस पर बड़े तेजी से काम हो रहा है और बहुत आगे हम लोग पढ़े हैं इस कोरोना काल में जो काम हुआ है ये पब्लिश होने जा रहा है इसी के चलते WHO ने पहला सेंटर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय के आग्रह पर जामनगर में शुरू किया है ट्रेडिशनल मेडिसिनल रिसर्च जिसके माध्यम से काम हो रहा है नाउ आयुर्वेद इज नॉट केवल भारतवर्ष की चीज नहीं रहेगी ग्लोबल कम्युनिटी की चीज रहेगी दूसरी बात क्या है कि हम जो दवा खाते हैं एक बार मैं चर्चा करूंगा आपके सामने मैं अमेरिका जा रहा था व्याख्यान देने तो मुझे एक मेरे बगल में यूएसए की फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट की प्रोफेसर बैठी थी कैरी बॉर्डिया की बीएचयू में विजिट करने आए थे मेरा पर्चा वही हुआ था तो उनको लगातार खांसी आ रही थी तो मैंने कहा मैडम यू डोंट बॉदर यू जस्ट च्यू दिस टैबलेट आई हैव गिवन वन टैबलेट फॉर माय पैकेट उन्होंने लिया चूसा चार घंटे तक वो 10 डोज़ चूस गई और उनको खांसी का एक भी ठसका नहीं आया जब हम उतरे तो हमको पूछा कि डॉक्टर दो मई यू हैव गिवन दिस मेडिसिन व्हाट्स द नेम ऑफ द ड्रग हनी मैडम इट वाज लवंगा दिवटी व्हाट आर द इंग्रेडिएंट मणि तुल्य आलमंग मरचात फरक पचाई से सर्वे सबो निगृत कटर से सारा और बहुत ही वैसे सारे तुम ने जुड़ों का आसान नियंत पुटिका के निकास कर दे ओ माय गॉड गुड लेवल समझाने के पहले इसको साइकोलॉजी के परेशान करना था फिर मैंने उसको समझाया कि इसमें हम लौंग काली मिर्च बबूल की छाल ये मिलाते हैं तो ये कहना मैं ये चाहता हूँ कि आपको अपनी मेडिसिन के प्रति श्रद्धा खुद पैदा करनी होगी हमें अपने घर से आज हमारा थीम जो बनाया है हमारे आयुर्वेद दिवस का घर घर आयुर्वेद हर दिन आयुर्वेद हर घर आयुर्वेद हम आयुर्वेद जी रहे हैं प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठना किसका उद्देश्य है आयुर्वेद कहता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठिए ये सिद्ध कर दिया कि रात सवेरे रात को जो हमारे बच्चे 11 बजे तक सोते हैं उस 11 बजे तक सोने में आपकी नींद से आपको लाभ मिलेगा ही नहीं इसमें आपको नोबेल प्राइज मिल चुका है रात के अंधेरे में अगर सोते हैं आप
तो उस सोने का लाभ आपको मिलेगा और अदरवाइज आपकी बॉडी में आपके रजिस्ट्रेशन मिलेगा ही। तो ये सारी चीजें प्रणाम रूप में उठना, ऊषा पान करना, तांबे के पात्र में रखा हुआ सवेरे जल पीजिए, इसको पीने से डिटॉक्सिफिकेशन होता है, आपकी आंखों के अंदर मोटिलिटी बढ़ती है, आप उसका प्रयोग करें। नाक में अणु तेल, सरसों का तेल या कोई तेल डालना, इसके चलते आपके नेजल म्यूकस मेम्ब्रेन हेल्दी होती है, जो वायरस और बैक्टीरिया शरीर में एंटर करते हैं उनमें रुकावट पैदा होती है, जो हम आसानी से कर सकते हैं। व्यायाम करना, योग करना, ये सारी चीजें हैं। सेवन करना, आहार व्यवहार का क्या कहा गया आया कि पथ्य सत्य कदार्थ से बढ़े और पथ्य असत्य कदार्थ से बढ़े। जो आदमी पथ्य का सेवन करता है, खान पान में कंट्रोल करता है, उसको औषधि सेवन की जरूरत ही नहीं है, और जो खान पान का सेवन सही नहीं करता उसको औषधि सेवन से कोई लाभ नहीं है। डायबिटीज के पेशेंट को अगर हम कह दें कि आलू चावल चीनी मत खाइए, एक पेशेंट का हम ट्रीटमेंट कर रहे थे, बोला डॉक्टर साहब आपके चलते मैंने सब छोड़ दिया है, आलू चावल चीनी बिल्कुल नहीं खाता, और लंच का टाइम था, ये बात फाइनेंस ऑफिस और बनारसी यूनिवर्सिटी, हम उनके चैम्बर में बैठे हुए थे, उन्हें लंच में कहीं मैं ये खाता भूजा लाया चना का और उसका भूजा खिलाया, आई वाज वेरी हैप्पी कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और उसके बाद से कहा कि वो भी ले आओ, चपरासी आया एक हंडी ला गई, उसमें से बड़े बड़े रसगुल्ले निकाले और चार रसगुल्ले उन्हें अपने सामने रखे को हमारे सामने रखे। तो ये क्या है कि डॉक्टर साहब मैं गाड़ देता हूँ, ये सारी चीजों को हमें ध्यान देना होगा, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, हमारी जीवन शैली कैसी हो। अगर जीवन शैली आपकी सही है, दिनचर्या रात्रचर्या नृत्यचर्या सदमृत आचार रसायन, इसका अगर आप प्रयोग करेंगे तो आप निश्चित रूप से स्वस्थ रहेंगे। और आयुर्वेद आगे आने वाली सदी में जो आयुर्वेद होगा, जो आपका एक्सपोर्ट करके आएगा, जो इम्पोर्ट होगा, उस आयुर्वेद को लोग एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि आज हमारी मानसिकता बनी हुई है कि हम वेस्टर्न मेडिसिन के पीछे, हम ये नहीं कहते कि वेस्टर्न मेडिसिन कमी है, तीन चीजें एंटीबायोटिक एनर्जेटिक्स एनेस्थीसिया ट्रिपल ए, इन तीनों को जिस दिन हमने पार पा लिया तो हमें जरूरत नहीं पड़ेगी किसी पैथी की, हमारा सिस्टम अपने आप में सफिशियंट होगा लोगों को ठीक करने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर वेरी नोबल। एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, ये जो ताम्रपात में पानी पीने का व्यवस्था हमारे यहाँ है जी, ये इसका साइंटिफिक, इसका मैंने साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन पढ़ा था, उसमें ये लिखा है कि अगर आप 8 घंटे तक, जैसे हमारे आमतौर पर कहते हैं रात में आप पानी रख दीजिए सुबह उससे तांबे के पात्र का पानी पी, तो कॉमन इन्फेक्शन जो होता है ईकोलाई इन्फेक्शन बहुत कॉमन है, तो तांबे के पात्र में अगर 8 घंटे से ज्यादा वाटर कॉन्टेक्ट में रहता है, जब आप पीते हैं वो पानी जो पीते हैं उसमें ईकोलाई 50% ड्रॉप करता है, तो जैसे जैसे पीरियड बढ़ता है ईकोलाई की का जो परसेंटेज है वो ड्रॉप करता है। This is the scientific reason कि हमारे यहाँ कहते हैं तांबे के पात्र में रखा और उसके बाद 2 घंटे बाद पी लिया तो वो अच्छा नहीं है। ओवरनाइट मींस कि एक रफली 7-8 घंटे का पीरियड होना चाहिए जब मोर देन 50% उसके कंसंट्रेशन में ड्रॉप होता है, और सबसे कॉमन इन्फेक्शन ई कोलाई इन्फेक्शन। आजकल जैसे प्यूरीफायर में तांबा लगाने लगे हैं और कहते हैं कि प्यूरीफायर से आप तांबे ना लेंगे तो आपको बढ़िया पानी तभी आपको अंकुरित होगा।
तो हम लोग जो है ध्यान देते हैं किसके ऊपर, क्षेत्र के ऊपर। इफ योर बॉडी इज प्रिपेयर्ड प्रॉपर्ली और इम्यूनिटी और रेजिस्टेंस इज अप टू मार्क इन स्पाइट ऑफ एंट्री ऑफ सफिशिएंट नंबर ऑफ पैथोजेंस, इट माइट बी माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस साल्मोनेला टाइफी और इट माइट बी कोविड-19 एचआईवी, शरीर में जाएगा लेकिन पनप नहीं सकता जब तक कि आपकी इम्यूनिटी और रेजिस्टेंस अपडेट रहेगा। तो हमको ध्यान देना चाहिए इसके ऊपर कि हम इस बॉडी को सही रखें, इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करें। यही कारण है कि अगर हम ये ध्यान देंगे तो हमको अलग हर चीज के लिए वैक्सीन ही खोजनी पड़ेगी, विदाउट वैक्सीन हम अपने आप को सही कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। हमारे सीनियर सिटीजन हैं, वो अपने कुछ अनुभव शेयर करना चाहते हैं।